नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आप जिंदगी भर खून पसीने की कमाई आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं और एक सपना आप ये देखते हैं कि एक दिन आपका खुद का आशियाना होगा जो आप अपने उस खून पसीने की कमाई से खरीदेंगे। अचानक आप खुश होते हैं, आप घर खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन एक रात अचानक से उस सपने के आशियाने को उजड़ता देखने का एक सपना आता है, यानी एक आदेश आता है कि आप जो घर पर रह रहे हैं वो अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से बनाया गया है और कुछ ही समय बाद वो आशियाना उजाड़ दिया जाएगा, उस पर बुलडोजर चल जाएगा। आपको कैसा महसूस होगा? कुछ वैसा ही महसूस होगा जो आज शाहबेरी के कई सौ परिवारों को महसूस हो रहा है। उनका दर्द कौन सुनेगा? शासन ने तो आदेश जारी कर दिए कि जितने भी अवैध निर्माण हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत से बने हैं, जो बिल्डरों ने बनाए हैं, गलत तरीके से बनाए हैं, पैसा देकर बनाए हैं, आप उन सभी की जांच करवाइए और उन पर बुलडोजर चलवा दीजिए। लेकिन उनका क्या जिन्होंने वहां पर अपने खून पसीने की कमाई से आशियाना लिया है? आज इसी सवाल पर हम बहस करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, ये जरा पूरा मामला समझिए, उसके बाद कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस मामले पर हम सवाल करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। शाहबेरी में बिल्डरों की गलती का खामियाजा बायर्स उठाएंगे। हजारों आशियाने एक झटके में ध्वस्त हो जाएंगे। अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा कौन? शाहबेरी के निर्दोष निवेशकों का दर्द सुनेगा कौन? जी, शाहबेरी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश तो जारी हो गए, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यहां रहने वाले लोगों का क्या होगा, उनका क्या होगा जिनके सपनों का आशियाना किसी दूसरे की धोखाधड़ी की वजह से एक झटके में उजड़ जाएगा, उनका क्या होगा जिनके खून पसीने की कमाई से खरीदा गया आशियाना एक झटके में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। जी, इन तमाम अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। डीएम बीएन सिंह ने बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं। स्टैंप विभाग से रिपोर्ट मंगवाई गई है। चिन्हित किए गए 30 बिल्डर्स पर पिछले साल 13 केस दर्ज किए गए हैं। सभी 30 बिल्डरों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। बचे हुए बिल्डरों पर जल्द प्राधिकरण एफआईआर दर्ज कराएगा। सभी बिल्डर्स की चल अचल संपत्ति अटैच की जाएगी। बाहर के जनपदों की संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक एजेंसी से भवनों की गुणवत्ता की जांच कराएगा। जांच के बाद भवनों पर निर्णय लिया जाएगा। जिन इमारतों को धारा 10 का नोटिस दिया जा चुका है उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही बिल्डर्स पर रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण असुरक्षित झुकी 6 इमारतों को गिराने की तैयारी में जुट चुका है। पिछले साल 6 अवैध इमारतों को सील भी किया गया था। प्राधिकरण ने 3 महीने के अंदर बिल्डर को झुकी बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी किया था। अगर 3 महीने के अंदर झुकी बिल्डिंग को बिल्डर नहीं गिराएगा तो प्राधिकरण अपने खर्चे पर झुकी बिल्डिंगों को गिराएगा। 17 और बिल्डरों के खिलाफ 1 सप्ताह में एफआईआर दर्ज होने वाली है। कुल मिलाकर के करीब 257 लोगों को धारा 10 की नोटिसें जारी की गई हैं। नोटिसों का जवाब देने के लिए उनको रिमाइंडर भी दिए गए हैं।
अब उनका कोई जवाब, जहां पर जवाब आए हैं उन पर कार्रवाइयां हमारी प्रोसीड की हैं, जहां जवाब नहीं आए हैं वहां पर एक पक्षीय रूप से हम लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं और जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय होगा। हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी प्रामाणिक संस्थाएं इसमें लगा करके बिल्डिंग जो अधोमानक बनाई गई है, हमारी बिल्डिंग बायलाज के उल्लंघन में बनाई गई है, उन सब की प्रामाणिकता पर एक व्यापक स्तर पर हम प्रतिवेदन एक रिपोर्ट कलेक्ट करें और उसके आधार पर हम प्रोसीड करें, जिससे कि किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कहीं अनुचित फायदा ना मिलने पाए और एक सही दिशा में सही तरीके से एक ठोस कार्रवाई हम लोग कर सकें। कि बिल्डरों की धोखाधड़ी का खामियाजा आखिर बायर्स क्यों भुगते? अवैध निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? जिनका आशियाना उजड़ेगा क्या उन्हें दूसरा आशियाना मुहैया कराया जाएगा? इन तमाम निर्दोष निवेशकों का दर्द आखिरकार कौन सुनेगा? जिनके आशियाने पर बुलडोजर चलेगा उनका क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो हर वो शख्स पूछ रहा है जिनका आशियाना या तो आने वाले वक्त में उजड़ने वाला है या फिर अवैध तरीके से बना हुआ है। इन्हें घर लेते वक्त ये नहीं पता था कि जो घर वो ले रहे हैं वो अवैध तरीके से बना है, उन्हें बिल्डर ने धोखा दिया है। लेकिन इन सवालों का जवाब आखिरकार देगा कौन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो सवाल कई सारे हैं और एक बार जरा इन निवेशकों के तौर पर उनके पाले में खड़े होकर देखिए, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से एक आशियाना खरीदा और अचानक से उनको पता चला कि गलत तरीके से उसको बनाया गया है, बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, अधिकारियों के साथ जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आशियाना बनवा दिया गया, बिजली लाइन भी दे दी गई, पावर सप्लाई भी दे दी गई, सब कुछ सही था, अचानक से उन्हें पता चला कि गलत है और कभी भी अब इसे तोड़ा जा सकता है, क्या बीतेगी आप पर? वही बीतेगी, वैसी ही बीतेगी जो इन तमाम 100 परिवारों पर इस समय बीत रही है, उनका दर्द कौन सुनेगा? आज इसी पर हम सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका सभी मेहमानों से मैं तारुफ करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिरुद्ध शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुकुल त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं संघर्ष समिति शाहबेरी के। शाहबेरी ये वही पूरा इलाका है जहां पर लगभग 1500 से ज्यादा अवैध मकान हैं जो कभी भी अब ध्वस्त हो सकते हैं। एसके उपाध्याय हैं, निवेशक हैं, इन्होंने भी इसी शाहबेरी के इलाके में एक बिल्डिंग में घर ले रखा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मेरे साथ एके मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 तारीख को बड़ी गंभीरता के साथ तमाम अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक इसी मुद्दे पर बैठक की थी, इसी शाहबेरी के मुद्दे पर जहां गलत तरीके से पूरा अवैध निर्माण का पूरा जंजाल बनाया हुआ है, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं जिनकी सांठगांठ से वो सारा बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये जो तमाम निवेशक वहां पर पहले से हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्हें बिल्डर ने धोखा देकर उन्हें फ्लैट दे दिया, उन्होंने खून पसीने की कमाई से खरीद लिया, उनका क्या होगा, उनका दर्द कौन सुनेगा, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, ये सवाल आपसे है। मिश्रा जी, सवाल का जवाब देने से पहले मैं समझता हूं कि आपको इसकी पृष्ठभूमि भी समझनी होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये उदाहरण आपने सुना होगा। इस देश में मिश्रा जी राजनेताओं का और प्रशासक का एक ऐसा गठजोड़ चला जिसने इस बीमारी को जन्म दिया है। थोड़े से पैसे लगाकर करोड़ोंपति बनना, ये लालच शुरू हो गया और लोग बिल्डर बनने शुरू हो गए। और मुझे यहां तक जानकारी है कि नोएडा प्राधिकरण ने 10% जमीन दे दी केवल कुछ पैसे जमा कराने पर, और उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं, और प्रशासन उनको पास करता गया या उनकी आड़ में ये अवैध काम चलता रहा। बिल्डर बिल्डर पैसा कमा रहे थे, राजनेता राजनेता पैसा कमा रहे थे, आईएएस ऑफिसर, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो अपना पैसा कमा रहे थे। तभी तो यादव सिंह जैसे लोग खड़े हो गए, पोंटी चड्डा जैसे लोग खड़े हो गए और सुब्रतो सारा जैसे सैफी महोत्सव की रौनक बनने शुरू हो गए। ठीक है, ये बीमारी यहां से शुरू हुई, इस बीमारी को समझना होगा। लेकिन मोदी जी की जब से सरकार आई उन्होंने इस बीमारी को समझा, रेरा कानून इसी आधार पर आया
कि जो बिल्डरों से मकान लेने वाले बायर्स हैं उनके हितों की रक्षा कैसे हो। तभी रियल स्टेट कानून आया, और रियल स्टेट कानून लाने का उद्देश्य भी यही था कि जो बायर्स हैं उनको न्याय मिले, जो अपनी छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी कर मकान खरीदते हैं उनके साथ धोखा ना हो, फरेब ना हो। इसलिए ये रियल स्टेट कानून मोदी जी लेकर आए। अब आपकी दूसरी बात, निश्चित रूप से जब ये सारी जानकारी आई है और सारी जानकारी निकली है, योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई की है अधिकारियों के खिलाफ। अभी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे रासुका लगाने वाली बात है, गैंगस्टर एक्ट लगाने वाली बात है, इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है। और मैं आपको यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी जहां इस प्रकार के बिल्डरों के साथ जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वहां जो बायर्स हैं छोटे छोटे निवेशक हैं उनके हितों की भी रक्षा की जाएगी, और निश्चित रूप से जो उनका हक है वो उनको मिलेगा। क्या किया जाएगा इन लोगों के लिए, जो मैंने सीधा सवाल पूछा था सीधा जवाब चाहता हूं। ये तमाम जितने निवेशक हैं वो आपसे आज सीधा जवाब चाहते हैं, माहौल नहीं चाहते हैं, ना ये नहीं चाहते हैं कि आप ये गिनाएं कि आपने क्या क्या कर दिया। अब तमाम शाबेरी के लोग सीधा जवाब आपसे चाहते हैं कि हमारा घर अगर लुटेगा, हमारा घर अगर उजड़ेगा, हमारे लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, सीधा जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम निवेशकों को उन बिल्डिंग में रहने दें जो बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, जहां उनकी लाश निकलेगी? क्या आप ये चाहते हैं, इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम सुनिए, उसमें से रास्ता रास्ता निवेशकों के साथ बैठकर निकलेगा, यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर नहीं निकलेगा। निवेशक है यहाँ, हाँ बिल्कुल, वो सुझाएंगे, निकालेंगे आप? वो सुझाएंगे, अभी तक सुझाएंगे, सुनिए पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो सुझाएंगे निश्चित रूप से, और जो बिल्डिंग खतरनाक है आप क्या चाहते हैं केवल पैसे के लिए वहाँ उसकी 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 कब्र बनने दी जाए? ये कौन कह रहा है आपसे कि तो आप बिल्डिंग में रहने, और क्या हाल है अभी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था, अगर आप बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, अगर आप बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई लाखों रुपए उसमें लगे हुए हैं, उनको वो लाखों रुपए बिल्डर से मिले, उसकी संपत्ति अटैच करके मिले या कैसे भी मिले, उसका इंतजाम कराएंगे ना सर? आप ये बताइए ना, क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाए अभी? फिर आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्या फिर आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं? सवाल में क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल में क्या पूछ रहा हूँ, या फिर आपके पास जवाब नहीं है सर, या फिर आप इसीलिए डाइवर्ट कर रहे हैं? डाइवर्ट कर रहे हैं क्या सर? जवाब नहीं है क्या? जवाब नहीं है क्या? मैं वहाँ का निवेशक भी हूँ, और एक हमारी समिति है संघर्ष समिति शाबेरी, मुझे वहाँ पर 1,25,000 लोगों ने अपना प्रवक्ता बना के आज स्टूडियो में भेजा है, और मैं सवाल पूछिए सीधा। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो जो बिल्डिंग में गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, ये आपने किससे, आपको किसने कहा कि वो बिल्डिंग कमजोर है? कागजी कार्रवाई ऑफिस में बैठ के जो प्राधिकरण ने की है, क्या उसके आधार पे आप कह रहे हैं बिल्डिंगें कमजोर हैं? 457 बिल्डिंगें चिन्हित की गई, 1,052 मकान चिन्हित किए गए प्राधिकरण ने अपने कमरे में बैठ के कि हाँ ये बिल्डिंगें कमजोर हैं, आप बताइए उसका जवाब दीजिए। आपने 30 बिल्डिंगों पर रासुका लगाई, हम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, उस गलत बिल्डर के खिलाफ बिल्कुल रासुका लगाई है जिसने बिल्डिंग कमजोर बनाई है, जो हमारे जैसे वहां लोग रहते हैं, हमें दुख है कि अगर कल के दिन हादसा होगा कल भी हम सरकार के पास जाएंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं जाएंगे सरकार के पास, क्यों नहीं जाएंगे? आपको अगर आप बोलते हो कि टेक्निकली आप अपने रिस्क पे रहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले चेताए। मैंने देखा ऐसा, मेरी बिल्डिंग गिरी थी गाजियाबाद में गिरी थी, आप ये खुल के बोल दो कि बिल्डिंग गिरेगी, मेरा परिवार गिरेगा, हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। पुरानी बिल्डिंगों को बॉम्बे में दिल्ली में पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके वार्न कर देती है कि छोड़ दो, ये सरकारें ऐसी थी, ये तो देश को कभी चाइना को दे दिया, कभी पाकिस्तान को दे दिया, ये तो बढ़िया किया ये गवर्नमेंट ने। आपके सोचिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार आ रही है उसको बचाने के लिए, आपसे मैं सिंपैथी रखता हूं, कच्चे लालच में हमारे बायर कम पढ़े लिखे होते हैं, कानून उतना नहीं होता था, इसमें ठगारी किसने की है? बिल्डर्स की सबसे पहले गलती है, उनके ऊपर तभी NSA लग रहा है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगा है, मैं स्वागत करता हूं, आप जाके देखिए उन बिल्डिंगों में, मैं डिबेट में था जब गाजियाबाद में गिरी थी जिसकी फैमिली मर गई, आप वैसा ही देखना चाहते हो क्या? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, नहीं आप एक बात बताइए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप ऊंची आवाज करके मत बनना चाह रहे हैं,
पानी नहीं देंगे, आप बिजली नहीं देंगे, गलत चीजों के लिए आप गलत चीजों के लिए गवर्नमेंट आपको अभी वार कर रही है, गवर्नमेंट आपको पूरी जिंदगी कि आपके लॉस की भरपाई कैसी हो, लेकिन आपके जीवन के साथ एक ऐसी गवर्नमेंट जो संवेदनशील प्रोसेस है वो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। आप कच्चे लालच में मत आइए, कौन सा कच्चा लालच, आप कच्चे लालच में मत आइए, अगर सस्ता मिलेगा हमने भोग के लिए आती है, आपने हमें कच्चा लालच किस विषय पे, आपने कहा कि मैं कच्चा लालच कर रहा हूं, लड़ना नहीं है यहाँ पर, आराम से एक एक करके बात सकती है, आप आराम से भी बात कर सकते हैं, आप आराम से ही बात कर सकते हैं। जैसे लोग रहते थे जब बिल्डिंग गिर गई सर, पिछले सर ये बात सुनिए, आप कितने परिवार सावेरी में रहते हैं, हमने प्रॉपर रजिस्ट्री करवाई हमने वहाँ पे प्रॉपर बिजली का कनेक्शन लिए, हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, ठीक है बताइए हमें, ठीक है बस ठीक है बस 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 ठीक है ठीक है, हिम्मत नहीं है आपकी, ठीक है एक सेकंड, क्या आप लिख के बता रहे हैं, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए क्या लिख के दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को लिख के दे दीजिए, आप इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये, और बिल्डिंग गिर गई, आप आराम से बात कीजिए ना, आराम से बात कीजिए, पैसे लिख के दे रहे हैं, पैसे लिए हैं, और हमने मकान घर में नहीं लिए, हमने पैसों में घर में रजिस्ट्री कर रही है, हमने रजिस्ट्री कर रही है, आप तो हमने रजिस्ट्री कर रही है, कोई आप चिल्ला कर बात करेंगे ना किसी को समझ में आएगा, आप चिल्लाएंगे कौन सा ज्यादा चिल्लाएंगे, मिश्रा जी एक सेकंड मैं कुछ कह रहा हूँ ना सर, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे सुनोगे ना सर, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे सुनोगे ना, आप हमारी एक सेकंड रुक जाइए सर, एक के मिश्रा जी यहाँ दंगल नहीं लड़ना है सर, बड़े आराम से बात रखिए, लोग सुन रहे हैं, चिल्ला के बात रखेंगे आपकी आवाज ठीक तरीके से आएगी नहीं, फटेगी, लोगों को समझ में आएगा नहीं, आधे घंटे आप यहाँ चिल्लाएंगे कोई फायदा होगा नहीं आपके बोलने का, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप चिल्लाएंगे सामने वाला आपसे तेज चिल्ला सकता है, कोई फायदा नहीं होगा सर, आराम से पानी पी लीजिए, कूल होकर बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए आप क्या कह रहे हैं, निवेशक क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं एक सेकंड चिल्ला, आप चिल्लाएंगे भी तो उससे भी कोई फायदा नहीं है ना, हमारे मित्रों के वही बात आप आराम से कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए मत, आप लोग आराम से एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं, आपने सर बोल लिया, आप अपनी बात रखिए, जब कोई टोकेगा नहीं, कोई टोका टाकी नहीं होगी, कोई टोका टाकी नहीं होगी, पूरी बात अपनी आप रखिए, फिर आप रखिए, उसके बाद आप रख लीजिएगा, पहले आप रखिए। जुलाई 2018 को वहाँ एक बिल्डिंग गिरी, उसमें 9 लोगों की जान गई, हमारे परिवार के वो सदस्य हैं, क्योंकि हम सावेरी से हैं, हमें दुख हमारा है, ही परिवार हमें दुख है सर, हम तो वहाँ रहते हैं और हमारे बीच के वो लोग थे, तो हमसे ज्यादा दुख शायद आपको नहीं हो सकता, बातों से दुख नहीं होता सर, आप अपने देश के नागरिक हैं, अपने भाई हैं, देश के नागरिक, देश के नागरिक, एक सेपरेट पार्टी से आप, आप या तो मुझे सुन लीजिए, आप बात पूरी कीजिए, या तो आप हमें सुन लीजिए, आप पूरी बात कीजिए, आप हमें सुन लीजिए मिश्रा जी, आपको मैं सावेरी की पृष्ठभूमि बता देता हूँ, आपको पूरी जानकारी सावेरी की नहीं है, तभी आप कह रहे हैं कि आप लिख के दे दीजिए और वो कर दीजिए, ठीक है जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी, जब 17 जुलाई 2018 को वहां पर एक बिल्डिंग गिरी, उसमें हमारे परिवार के 9 सदस्य मरे, हमें उस चीज का बहुत दुख है, उस बिल्डर ने बहुत गलत माल लगाया जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी, बिल्डर की गलती थी, आज योगी जी ने बिल्डरों पे कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 10 साल से सावेरी बन रहा है और आज वहां पे 1.25 लाख लोग रहते हैं और 25,000 परिवार है, आप कह रहे हैं ना, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, 25,000 परिवार और 1.25 लाख लोग उन बिल्डिंगों में रहता है, प्राधिकरण ने 10 साल में एक बार भी आकर नहीं जाका,
कि वहां पर बिल्डिंग है। वही तो बोल रहे हैं मिश्रा जी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए प्राधिकरण, सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, एक सेकंड आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक सेकंड, एक पहले आप सुन लीजिए पूरी बात, आपकी बात हम भी सुनेंगे, जल्दी से आइए ना, इससे क्या मतलब, प्राधिकरण ने 10 साल में प्राधिकरण ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक साल पहले बिल्डिंग गिरी उसके बाद प्राधिकरण नहीं चेकाया, अब एक्शन ले रही है तो क्यों रोक रहे, कौन सा एक्शन ले रही है, कौन सा एक्शन, कौन सा एक्शन, सर बिल्डिंगें गिरा रही है ना, नहीं बिल्डिंगों को कागजी कार्रवाई ऑफिस में बैठ के बिल्डिंग नहीं गिराई जाती, आपने 452 बिल्डिंगें चिन्हित कर ली है, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, अधिकारी एक सेकंड, मुकुल त्यागी, मुकुल त्यागी आप क्या कह रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं आपने आपने किसी से जांच करवाई है कि वो बिल्डिंग का मटेरियल, बिल्कुल हमने वो बिल्डिंग, हमारे बिल्डर ने जिसने मुझे मकान बना कर दिया, अच्छा। उसने उसकी वहां पे तीन वही है सर, वही समझ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग सुरक्षित है, आपने आईआईटी से जांच करवाई है, आईआईटी से जांच नहीं करवाई है, योगी जी ने आईआईटी की टीम के लिए उन्होंने बोला उसमें हमारा ये कहना है क्योंकि वो प्राधिकरण के वो जांच ना करवाए, नहीं करवाइए, बिल्कुल करवाइए, सारी बिल्डिंगों की जांच करवाइए, लेकिन हमें प्राधिकरण की जांच पर भरोसा नहीं है, हमारी कमेटी के 2 सदस्य उस जांच टीम में शामिल होने चाहिए, वैलिड आपका पॉइंट है, ये मैं सरकार से आपके फेवर में बोल सकता हूं, 2 रिप्रेजेंटेटिव आपका रखे, आप हमेशा रहिए, आपका हम मांग करते हैं खुद की हमारे पे चेक करवाइए, लेकिन ठीक है, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत करिए, ठीक है, ओपी सागर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओपी सागर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी आते हैं आपके पास, एक सेकंड, आपने अपना सुना लिया, आप हमारी भी सुन लो, जिस टाइम से बिल्डिंग गिरी है प्राधिकरण प्रशासन, 2 चीज आप पॉइंट नोट लेना, प्राधिकरण प्रशासन हमारा खबर लेने आया, आज के टाइम में इस टाइम जो अभी का समय है इस टाइम का यह पॉइंट उठ रहा है कि हमारा रोड और पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, आप बिल्डिंगें कमजोर की बात कर रहे हो, बिल्डिंगें कमजोर होंगी जब पानी निकलने का व्यवस्था, खुद ही मान रहे हैं सर, ठीक है, एक सेकंड, इसी पॉइंट पर लौटते हैं, इसी पॉइंट पर लौटते हैं, इसी पॉइंट पर लौटते हैं, ठीक है, ओपी सागर जी भी है मेरे पास, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है सर, एक सेकंड, आप लोग क्या लड़ेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है ना सर, आप लोग लड़ेंगे, आप लोग लड़ेंगे कोई फायदा नहीं है ना सर, आप लोग लड़ेंगे कोई फायदा नहीं है सर, आप लोग तेज आवाज में बात करेंगे कोई फायदा नहीं है, एक सेकंड, ओपी सागर जी मेरे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं, ओपी सागर जी आप सुन रहे होंगे क्या कुछ यहां पर दलीलें दी जा रही हैं, मुझे बताइए सर आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, ओपी सागर जी आवाज मिल रही है आपको, बिल्कुल मिल रही है आवाज, हाँ इसमें देखिए बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बिल्डर्स के खिलाफ वाकई इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और लेकिन ये जो निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया है वो उनको भी तो कुछ रिलीफ मिले, उनको रिलीफ देने के लिए किस प्रकार से प्राधिकरण कर सकता है, इनको अलग जगह वहीं पर मकान अलॉट कराए और उसमें भी कंसेशन दे, तो ये भी तो या इनके पैसे बिल्डर से वापस दिलाए ताकि वो अपना दूसरा आशियाना खरीद सके, बात सही है, जो लोग वहाँ प्रताड़ित हुए हैं जिनका पैसा लगा है वो तो अपना मकान चाहेंगे ही, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैंने दूसरा सवाल पूछा, ये डिबेट के दूसरे टॉपिक पे हम आएंगे, ये वैलिड पॉइंट है, और देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिनके सामने आंखों के सामने ये सब बिल्डिंग बनती रहती है और वो इसको इग्नोर करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे और जगह ऐसी कार्रवाई ना हो, सर इसमें वायर्स ही गलत है, इसमें सिर्फ वायर्स गलत है, क्योंकि अभी इतना शर्मा जी ने कहा है कि वहां की सारी बिल्डिंगें तोड़ देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं तोड़ देनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी सारी इस चीज की है कि हमारा कोई, जो आपने कहा भी कि हमारे लिए कौन सोच रहा है,
नहीं भाई, सवाल तो मैंने सबसे पहले पूछा था इनु जी सर, भाई सवाल तो सबसे पहले अनुज जी से पूछा था मैंने, आपसे सिंपैथी है, आप सरकार को तरीका बताइए सर, सरकार को कोई तरीका बताओ सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें तीन विभाग लिखते हैं, सबसे पहले तो बिल्डर, उसके बाद बिजली पानी देने वाला विभाग था, ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है, कार्रवाई तीनों पे होनी चाहिए, इसमें तीनों को मिला के ये कंपनसेशन दिया जाए, जिन्होंने पैसा लगाया विद इंटरेस्ट उनको वापस दिया जाए, बिल्डिंगें गिरे, गिरने के बाद नए मानक के हिसाब से बिल्डिंग बने, गवर्नमेंट रेगुलराइज करिए, आप शिफ्ट होइए बॉम्बे में, जैसे कोई झोपड़पट्टी एरिया को खरीद लेता है तो दो साल के बाद बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उनको शिफ्ट कर देते हैं, सरकार सोच रही है या नहीं, बड़ा सवाल ये, ये सरकार के एजेंडे में है या नहीं, वही तो सवाल है, आप ये इसी पॉइंट पर हम लौटते हैं, ये सरकार के एजेंडे में है या नहीं, अगर जिन जिन बायर्स का पैसा जा रहा है, जिनका सपनों का आशियाना उजड़ने वाला है, उनके लिए क्या, इसी सवाल पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा हम कर रहे हैं शाहवेरी के निर्दोष निवेशकों का दर्द आखिरकार कौन सुनेगा, कौन समझेगा उनका दर्द, जिनके खून पसीने की कमाई एक झटके में उजड़ने वाली है, उनका आशियाना उजड़ने वाला है, उनके बारे में कौन ध्यान देगा, क्या सरकार ध्यान दे रही है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ 1 इंडिया के दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, सवाल तो यही है कि चलिए अवैध निर्माण पिछले कई सालों में पिछली सरकारों की गलती की वजह से, अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से बिल्डरों के साथ हो गया, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उन तमाम लोगों पर कार्रवाई कर रही है, यह भी आदेश दिए गए हैं कि जो गलत बिल्डिंग बनी हुई है, अवैध तरीके से बनी है, कमजोर है, उसको गिरा दीजिए, लेकिन फिर सवाल आ जाता है अगर गिरा देंगे तो वहां जो खून पसीने की कमाई लगा के जिसने आशियाना खरीदा है उसका क्या होगा, उसके लिए क्या सरकार के एजेंडे में है कुछ, अभी तक तो सामने कुछ नहीं आया। देखिए अपूर्व, अभी तक जो सुनना, जो अभी तक सावेरी में जो कार्रवाई हो रही है या फिर जो सावेरी में लोग रह रहे हैं, सावेरी में जो तक जो अभी तक पाया गया है, जो अभी तक सरकार ने आदेश किया है, ग्रेटर प्राधिकरण ने डीएम और एसएसपी को एक चिट्ठी जारी करी है कि इन्होंने 1498 बिल्डर चिन्हित किए हैं जिसके लिए डायनामाइट छोड़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये आता है कि जो बिल्डर वहां पे पहले से काम कर रहे हैं और जो अभी तक काम कर रहे हैं और अपने प्लॉट के लिए अवैध तरीके से बेचते हैं, या बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जहां का कोई भी एक जो प्लॉटिंग होती है, प्लॉट का साइज होता है अकॉर्डिंग टू एफएआर, जो कि वहां का चिन्ह किया जाता है कि ये ग्रुप हाउसिंग को अलॉटेड है या नहीं है, उसका जो मानक होता है G+3 बना सकते हैं, जब G+3 से हाइट ऊपर जाएंगे तो इनके लिए बिल्डिंग अथॉरिटी के मानक पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन ये अवैध कंस्ट्रक्शन जो कि एक रेजिडेंस जो कल्टीवेटेड लैंड है और इनके लिए रेजिडेंशियल यूज के लिए वहां पे बिना 143 के ये लोग काम करते हैं वहां पे, तो ये जो रजिस्ट्रियां कराई जाती है, बिल्डर जो रजिस्ट्री अवैध तरीके से जो रजिस्ट्री कराता है, इनमें सबसे पहले नकेल बिल्डर के साथ साथ इन एनबीएफसी कंपनियों पे भी कसनी चाहिए, जो कि एनबीएफसी कंपनियों में जैसे कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो इनको लोन दे देती है, बिल्डर इनसे अप्रूवल करा लेता है अपना प्रोजेक्ट, तो जो कोई भी इन्वेस्टर होता है, क्योंकि ये लोग अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो भी इन्वेस्टर होता है अफोर्डेबल हाउसिंग का लालच दिखाते हैं कि हम इतने इतने रुपए में इतना दे रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो मिडिल क्लास से भी नीचे का होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, जैसे तैसे वो अपनी सैलरी में से कमा के इंस्टॉलमेंट पे घर को फाइनेंस करता है, तो जैसे जो एनबीएफसी कंपनियां होती इन पे भी नकेल कसनी चाहिए, और सबसे पहले ऑडिट ऑफ फाइनेंस के लिए या फाइनेंस ऑडिटर के लिए इन बैंकिंग जितनी भी बैंकिंग है जो वहां पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए जीपीए होल्डर जितना भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो भी है उन सबसे पहले बैंकिंग को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए कि ये जो बैंकर्स हैं यहाँ पे बिना किसी भी अप्रूवल या नक्शे बिना ड्राइंग अथॉरिटी के अप्रूवल के ये लोग वहां पे किसी भी तरीके का फाइनेंस नहीं करें, जिससे कि अगर फाइनेंस रुक जाएगा, बैंकिंग रुक जाएगी, तो इन लोगों बिल्डरों पे कहीं ना कहीं नकली करने के काम आएगी, और जितने ये जो बिल्डर हैं, जो बिल्डर चिन्हित किए गए हैं, अगर बिल्डर को आप कंस्ट्रक्शन गिरा देंगे तो इन्वेस्टर का पैसा वापस नहीं आएगा, वो कैसे वापस आएगा, सबसे पहले इन बिल्डर पे नकेल कसने के लिए सब बिल्डर को चिन्हित किया जाए, इन पे गुंडा एक्ट और ये NSA लगा के इन पे कुछ नहीं होगा, इनको सीधे सीधे पिंजड़े में डाला जाए, इनको अगर जब तक ये पिंजड़े में नहीं जाएंगे, जेल में नहीं जाएंगे, कार्रवाई करने से बिल्डर का प्रोजेक्ट गिरने से बिल्डर का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, वाकई उनको तो उसका पैसा मिल चुका होता है, उनका तो पैसा मिल गया होता है, बैंकिंग का पैसा लगा होता है, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गिर जाएगा, लेकिन जिस जो बेचारा नौकरी कर रहा है उसकी सैलरी जा रही है, वो ऑलरेडी बैंकर जो है, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकर जो बैंकर्स हैं
वो अपनी इंस्टॉलमेंट तो ले रहे हैं और उधर का उसका फ्लैट का पजेशन भी नहीं मिल रहा है। तो ये अवैध तरीके से जितने भी हैं बैंकर्स पे भी नकेल कसनी चाहिए, इनके भी मानक तय होने चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में बैंकिंग जितने भी बैंकर्स हैं इनको कोई भी लोन देगा ही नहीं, बिल्कुल अप्रूव ही नहीं करेगा। जब तक नहीं देंगे तो शायद इन बिल्डर पे कहीं ना कहीं नकेल कसने के काम आएंगे। और जितने ये अवैध कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ है, जो इनका पैसा रिकवर होगा सरकार के लिए सबसे पहले इन बिल्डर के प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित करना है, और जो इनके और कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबसे पूरी तरीके से रिकवरी करनी है। और इसमें एडीएम लैंड एक्विजिशन और एडीएम फाइनेंस के लिए और तहसीलदार के लिए मिलकर अथॉरिटी के साथ इनके जो और भी कहीं प्रोजेक्ट पड़े हुए उन सबके लिए कवर करना है। जैसे कभी भी कोई एक जब कोई जो कोई भी एक अकाउंट होल्डर होता है जब वो किसी अकाउंट से एनपीए हो जाता है तो जो उसके और भी अकाउंट होते हैं वो सब सीज कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से इन बिल्डर्स के जो और भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको सीज करके उन सबसे रिकवरी करी जाए और इन इन्वेस्टरों का पैसा वापस कराने में इनकी सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जितने ही अवैध बिल्डर हैं सभी ने अपना पैसा लगा लगा के इधर उधर कहीं ना कहीं और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो सावेरी हो, चाहे वो कहीं खोड़ा में चल रहा हो, चाहे नोएडा में कहीं और भी चल रहा हो। इन सब बिल्डरों को चिन्हित किया जाए और इनके प्रोजेक्ट को भी खंगाला जाए कि कहां कहां इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सबको सीज किया जाए, उन सब प्रोजेक्टों से पैसा रिकवर करे गवर्नमेंट सरकार और जो इन्वेस्टर है उन सबका पैसा वापस करने में मदद करे। तब कहीं हद तक इन इन्वेस्टरों का दर्द सुना जाएगा और इनमें कोई समर्थन असल मायनों में न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स दीपक जी ने कहे हैं। आप बोलिए उपाध्याय जी, फिर इन दोनों पॉइंट पर अनिल जी से जवाब लूंगा। बोलिए सर। सबसे बड़ी बात थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना हमारे विषय में सोचा। शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा ओपिनियन नहीं आया था जो आपने आज कहा है। सबसे बड़ी बात कि सर बैंकर अगर पैसा नहीं देंगे तो सैलरी पैसे वाले बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने जाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये वैलिड पॉइंट है आपका, रिकवरी कैसे हो ये वैलिड पॉइंट है। सर दूसरी बात, पता चला 20,000-25,000 आदमी सैलरी पा रहा है, कच्चा लालच मिल जाता है एक जगह पे। मैं एग्री कर रहा हूँ, अगर सैलरी में से सोचता है कि 15,000 रुपए मैं सपोज लो रेंट दे रहा हूँ और अगर 18,000 रुपए मुझे अगर देकर अपना मकान मिल जा रहा है तो हमें अपना छत मिल जा रहा है। बिल्कुल ये निवेशक का, ये हमारा सोच है। हमारी परेशानी यही है कि हमें आपकी हाई राइज का फायदा उठाते हैं ये बिल्डर्स। हाई राइज में मैं ले नहीं सकता और लोएस्ट लेवल में आया तो वहां पे रजिस्ट्री हो रही है, बैंक फाइनेंस कर रहा है, सारी सुविधाएं हमें एज इट इज वही मिल रही है। तो हमें लगा कि सब कुछ अगर बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है, अगर रजिस्ट्री नहीं हो रहा है अवैध है, अगर रजिस्ट्री दे रहा है और बैंक फाइनेंस कर रहा है इसका मतलब ये वैध है। कृष्णा जी मैं आपको बताता हूँ, वही सारी पूरी बात मेरी सुनिए उसके बाद। अगर ये बिल्डर भी दे रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? बोलिए। जब सर बैंक फाइनेंस कर रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, हमें वहां पे बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर एक चीज है, हम किस जगह पे अवैध है? अवैध एक जगह पे आप कह रहे हो मुझे सर, अवैध अगर मेरे पास 5 रुपए है, मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, 5 रुपए मेरे पास है, मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, अगर उस सामान को मना कर दिया जाए कि आपको 5 रुपए में मिल रहा है, ये गलत है, इसे मत लेना, तो शायद मैं ना लूं। लेकिन अगर मार्केट में मिल रहा है 5 रुपए में मुझे सामान और वो सामान मेरे घर के यूज का है तो मैं डेफिनेटली लूंगा। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, बनती है कि आपका पॉइंट वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है, ये पूरा मार्केटिंग का एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है। आपके जान से किसी के सर क्या उस टाइम आप लोग इस नेक्सस को नहीं देख रहे थे? आज यहाँ बैठ कर डिबेट कर रहे हो, सुन लीजिए ना, क्या आपको जानकारी नहीं थी? ये जाकर कहाँ कैसा निर्माण हो रहा है थोड़ी ना चेक करेंगे सर? बात कर रहे हैं सर, मैं कहाँ पर कैसा निर्माण हो रहा है, कौन क्या फेल कर रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जाकर थोड़ी चेक करेगा? आपको ऐसे लोग ठगते हैं, ठगते कैसे हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट में जो भ्रष्ट इम्प्लाई है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के, बिजली विभाग के, इन सब के, उसके बाद क्या है जो इंजीनियर वगैरह बैंकिंग सेक्टर के, वो ठीक है, वो सर सबको बताया। पॉइंट पर आइए कि अनिरुद्ध शर्मा, इनकी पार्टी, इनकी सरकार इन लोगों के लिए अब क्या सोच रही है, क्या करेगी, कैसे इन निवेशकों को, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उन सारे लोगों को चैन में ऊपर से नीचे तक रिकवरी करें, इन लोगों का दर्द आप कैसे दूर करेंगे? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, इनके दर्द को समझती है। हम तो 2022 में सभी को आवाज नहीं देने तो किसी नेता ने ये क्यों नहीं बोला कि हम आप निश्चिंत रहिए, आपकी पाई पाई रिकवरी करवा के बैंक इंटरेस्ट के ऐसा साथ कुछ भी अभी आया नहीं। लोगों को देंगे कृष्णा जी, योगी जी ने बोला है, बोला है आप पाली के विषय पर ये बात आई थी और पूरी
जब ये विषय इस प्रकार का उठा तो विषय आम्रपाली के बारे में उठा, और मैं समझता हूँ ये हमारी एक सोच है, एक हमारी दृष्टि है। जिन निवेशकों के साथ अन्याय हुआ है उनको मैं समझता हूँ योगी सरकार राहत देगी, विचार कर रही है। और दीपक जी ने सुझाव तो बहुत अच्छे दिए, और दीपक जी ने कहा हाल होगा जेल में डालकर। अरे जेल में डालने का काम शुरू तो कर दिया, रासुका का लगा दी, कानून के हिसाब से वो जेल में जाएंगे, वो जेल में जाएंगे। कायदे से तो, कायदे से तो अनिरुद्ध शर्मा जी जिनकी जिनकी मिलीभगत से, जिनकी मिलीभगत से, जिन अधिकारियों की मिलीभगत से सब हुआ है, सभी सभी के भी उनके ऊपर भी उनको जेल में डालिए, उनसे भी पैसे लीजिए। बिजली विभाग के लोगों को मिश्रा जी आप देखिए, क्षेत्र का विधायक और सांसद तो प्रतिनिधि होते हैं, उनको तो दर्द और दुख और दर्द पता होने चाहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद 13वां दिन हमारे आज आंदोलन का है, जो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, हमसे को मिलने तक। अरे सर जब मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, लखनऊ में स्पेशल बैठक शाहबारी के मामले में हुई है जी, इसको दूसरे तरीके से लेकिन आप पॉलिटिकल वो कर रहे हैं। आप एक संगठन के नेता हैं तो आप चाहते हैं आपको आके मारा मुख्यमंत्री जब खुद आके त्यागी जी एक बात बताइए त्यागी जी आप इतना बोल रहे हैं जो लोग मरे थे वहां पर बिल्डिंग किसी एक बच्चे का आपने सहारा बने हो बिल्कुल एक सेकंड योगी सरकार भर रही है क्या फीस? योगी सरकार भर रही है क्या? आज तक उन्हें योगी सरकार भर रही है क्या? सवाल ये है जब बिल्डिंग सबसे बड़ी परेशानी आप बीजेपी का नेता है, कोई निवेशक सवाल उठा रहा है, कोई निवेशक अगर सवाल उठा रहा है आप सामने उसको कह रहे हो कि तुमने किया कि नहीं किया? सरकार ने आप बीजेपी का नेता है ना, अमरपाली के साथ है सर, आपने अभी अमरपाली का लिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि सावेरी वालों के साथ है। बिल्डिंगे बनाते हैं अवैध कहीं जाएगी, कानून आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बताइए क्या मानक कानून की नजरों में वैध के मानक बताइए, वैध के क्या मानक होते किसी किसी जमीन पर? कोई कोर्ट में, कोई कोर्ट में ये केस चल रहा है क्या जो आपको बताएं? भैया आप मुझे मानक बताइए, जब वहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है वहाँ पे कनेक्शन है, अब अवैध कैसे एक एक करके बात करनी पड़ेगी, एक एक करके घर में रहना है, घर में रहना है, आप लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिल, हम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हम खुद जिम्मेदार हैं इस मौत के घर में रहने के लिए। तोड़ने की आप लिख के देंगे, अगर हम जिम्मेदार आप लिख के देंगे, आप सारे लोगों से लिखवा के देंगे गवर्नमेंट को। बोलिए प्राधिकरण वहाँ ये बार बार क्यों कह रहा है कि हम अगर मौत के घर में रहने का इतना शौक है तो पहले एक सेकंड ठीक है सर, ठीक है यहाँ ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट का स्तर है, ये डिबेट हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सेकंड मुकुल त्यागी एक सेकंड उपाध्याय जी एक सेकंड सर उपाध्याय एक सेकंड सर, नहीं तो मैं सबकी आवाज डाउन कीजिए मुझे काटिए, सबकी आवाज डाउन है नहीं सुनाई पड़ता किसी को, सर नहीं सुनाई पड़ता किसी को। आप लोगों जान चल रहा हूँ सर,
क्या चाहते हैं आप? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मिश्रा जी एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे ये बताइए उपाध्याय जी, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं आपका मुद्दा यहां पे उठा रहा हूं, आप लोग यहां लड़ाई कर रहे हैं, मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग अपने अपने यहां पर राजनीति चमका रहे हैं। अगर मुद्दा रखना है, अपने तमाम लोगों के लिए मुद्दा रखना है, तो आराम से भी तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल, हम आराम से मुद्दा रखना। आप मुझे ये बताइए आप चाहते क्या हैं? आप कम शब्दों में ये बताइए आप चाहते क्या? हमारी हमारी योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के सावेरी वालों की तरफ से आपसे निवेदन है, हमारी सावेरी को रेगुलराइज किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज, ठीक, अभी जो बारिशात का मौसम है, सबसे पहली जो बेसिक जरूरत है वहां पे पानी का भराव बहुत ज्यादा हो रहा है, निकासी पानी की नहीं है, सबसे पहले हमें रोड और पानी की और सीवर की निकासी हमें दी जाए, सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी। ये दो मांगे हैं आप, एक सेकंड, इसके अलावा जो स्वतंत्र कमेटी जो ये IIT दिल्ली से चेक करवाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें संघर्ष समिति सावेरी के दो सदस्य हैं, क्योंकि हमें प्राधिकरण की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आपकी एक सेकंड, आप ये चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी को पूरे सबको रेगुलराइज कर दिया जाए? बिल्कुल, जब जांच होगी उसमें मालूम पड़ा जैसे वो बिल्डिंगें गिरी थी, आप लोगों की भी कमजोर बिल्डिंग है, वो भी गिर गई, आप लोगों ने पता है? एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है क्या? अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है आपको? चिंता है, पहली प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा खतरा है आपके ऊपर। मैं आपके चैनल की इस मुहिम से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर बिल्डिंग को कमजोर सबसे पहला पॉइंट ही आपको तोड़ा जाए, नहीं आपके आपके एजेंडे में सबसे पहला पॉइंट ही अलग है। नहीं नहीं, मुद्दा क्या होना चाहिए आपके एजेंडे में? पहला पॉइंट रेगुलराइज कर दो, एजेंडे में क्या होना चाहिए? अगर गिराया जाए, मैंने आपको पूरा मौका दिया था ना, आपने पहला पॉइंट ही क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप रेगुलराइज करेंगे तो टेस्टिंग के बाद टेस्ट कीजिए बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग कमजोर पाई जाती है, अगर बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट, बिल्कुल अगर रेगुलर अगर बिल्डिंग कमजोर पाई जाती है, अगर बिल्डिंग कमजोर पाई जाती है। अब सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं ठीक है, अब आप पॉइंट पर आए हैं, अब मुझे उपाध्याय जी ये बताइए, मान लीजिए IIT की जो टीम आती है आप लोगों को भी साथ में ले लेती है, उनकी उनकी जब टेस्ट होता है आपकी बिल्डिंगें कमजोर पाई जाती हैं और ये आदेश होता है कि भाई इनको भी गिराया जाए, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल सर, आप गिराइए सरकार से। अगर आपको लग रहा है टेस्टिंग फेल है, मैं अपने बच्चों की जान वहां नहीं देने के लिए तैयार हूँ। हमें अभी सर, एक मिनट सर, बोलने दीजिए ना, मैं अपने बच्चों की जान 2-4, 10-20, 50 लाख के लिए नहीं। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे चाह रहा हूँ सर, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सबसे पहली सर, कि आप गिराने से पहले क्या हमसे पूछने आए थे? इतना मीडिया में, इतना न्यूज़पेपर में निकला कि बम से उड़ा दिया जाएगा, क्या आपने इससे पहले क्यों नहीं कहा? अभी गिराया तो नहीं गया ना? गिराया नहीं गया, अभी गिराया नहीं गया। इसी बात पे आ रहा हूं, DM ने भी कहा है लोगों से बात होके, लोगों को समझा के बात करके, उनको संतुष्ट करके ही गिराया जाएगा। ऐसा नहीं बात कि आपने क्या बताइए ना, क्या चाहते हैं? पहले तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर, पहले आप टेस्ट करवाइए जो बिल्डिंगें गिरने लायक है। किसने कहा बिना टेस्टिंग गिरा दी जाएगी सर? वहां पे किसने कहा बिना टेस्टिंग गिरा दी जाएगी? दिखा दूं बिल्डिंग तोड़ी हुई। किसने कहा बिना टेस्टिंग के गिरा दी जाएगी आपकी बिल्डिंग? आपसे किसने कहा? के बुलडोजर वहां पे चल भी चुके हैं, आप कहां हैं? बिना टेस्टिंग के बुलडोजर वहां चल चुके हैं। बुलडोजर चलाए? मैं आपको दिखाऊं फोटो? बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल, मैं भी वहीं पर, मैं मेरी रिपोर्टिंग टीम वहां पे है। कोई कहां है वो निवेशक? कहां है वो निवेशक जिनके घरों पर बिल्डिंग चला दिया गया? रही थी उसी टाइम टोल ने ये आप पॉइंट पे आए ना, बिल्डिंग बन रही थी, कोई रह नहीं रहा था सर, रह नहीं रहा था भाई। आप जहाँ रह रहे हैं उसको कैसे तोड़, कैसे तोड़ दिया जाएगा? आप जहाँ रह रहे हैं उसको कैसे तोड़ दिया जाएगा? यही तो मैं समझा रहा हूँ कि आप अपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सरकार क्या चाह रही है, DM ने क्या आदेश दिया है, CM ने क्या कहा है। आप लोग भी एक तरीके से अंधेरे में है अभी, कई सारे पॉइंट्स पर। अभी उपाध्याय जी मेरे सवाल के जवाब में क्या बोल गए सर? नहीं, आपको लगता है आपसे बिना पूछे एक दिन बुलडोजर आएगा गिरा देगा? आपको लग रहा है? डर यही है हम लोगों को, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आप अंधेरे में जी रहे हैं ना, आप अंधेरे में जी रहे हैं, आपको ये जा रहे हैं? फिर आप सियासत कर रहे हैं, फिर आप सियासत की सोच लेकर जाएगा, फिर आपके, फिर आपके ये डर किस बात का? मैं इसका जवाब देता नहीं, अगर मैं जवाब बोलिए मैं देता हूँ। देखिए आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत है कि आप बिल्डिंग टेस्ट करवाइए, बिल्डिंग टेस्ट करवाने के बाद जो
बिल्डिंग कमजोर पाई जाए उनको तोड़िए। हम इससे भी सहमत है। सावेरी के जो संघर्ष समिति है हम उसका स्वागत करते हैं। योगी जी ने कहा आप टेस्ट करवाएंगे, हमने आपसे बोला भी जैसा कि भी हमें उस कमेटी में रखिएगा। हमारी मांग ये है कि टेस्टिंग के बाद अगर बिल्डिंग फेल होती है तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं क्या उनको सरकार कंपनसेशन देगी? हमारी मांग ये तरीका होता है सर, आपको सर एक मिनट मेरी बात ध्यान से, मैं तो बहुत प्यार से इसका जवाब मैं लूंगा। पहली बात कंपनसेशन मिलेगा, दूसरी मांग करिए, दूसरी क्या चाहते हैं आप? दूसरी चीज जो वहां पर बेसिक सुविधाएं है, अगर टेस्टिंग में कोई चीजें फेल होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। बिल्डर पे कार्रवाई कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्डर हमें बिल्डर दे, प्राधिकरण दे, सरकार दे, हमें उस बंदे को कंपनसेशन देना जिसने अपनी जीवन भर की पूंजी उस मकान में लगाई है। उस आदमी को हमें दूसरी जगह या तो शिफ्ट चाहिए या उसको हमें, हमारी ये मांग है। बिल्कुल वाजिब मांग है। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने जवाब दिया है और मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ, दृढ़ता के साथ दीजिएगा क्योंकि नहीं, मैं हमेशा दृढ़ता के साथ ही जवाब देता हूँ। दीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट के साथ दीजिएगा जो सरकार में, जो सरकार के एजेंडे में है। मैं दृढ़ता के साथ जवाब देता हूँ। कॉल सेंटर बनाया गया है वहाँ ये जानकारी देने के लिए कि ये बिल्डिंग कमजोर है। सारी जानकारी निवेशकों को देने की व्यवस्था योगी जी ने की है, मंडलीय स्तर पर टीम बनाई गई है और सारा व्यवस्था की गई है। इसकी स्पेशल उन्होंने बैठक ली है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है और ये कहते कार्रवाई उन पर, तो कार्रवाई ऐसी होगी कि वो याद रखेंगे जीवन के अंदर। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डिंगें कमजोर मिलेंगी आप लोग उनको निश्चित रूप से कार्रवाई, तमाम निवेशकों के बिल्कुल, लिए बिल्कुल कोई ना कोई कंपनसेशन होगा। सुनिए उनको या तो कहीं घर दिया जाएगा, आप लोग की तरफ से कोई घर दिया जाएगा योगी जी, या बिल्डर से लेके या अधिकारियों से लेके पैसे दिए जाएंगे? मैं यही कह रहे हैं स्टूडियो में बैठकर आप मेरे से ये निर्णय तो सरकार ने लेना है। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए सरकार की सोच, यहाँ पर ये सरकार की सोच बता रहा हूँ। सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच बता रहा हूँ ना, तो कह रहा हूँ स्टूडियो में जो सरकार, हाँ सुनिए, जो सरकार 2022 में, सुनिए, जो सरकार 2022 में सबको आशियाना देना चाहती है वो कैसे छीन सकती है किसी की? निश्चित रूप से कोई ना कोई नीति बनाई जाएगी इस पर, लेकिन नीति सरकार बनाएगी। मैं स्टूडियो में बैठकर अनिरुद्ध शर्मा नीति नहीं बनाएगा यहाँ पर बैठकर, लेकिन आप सरकार बनाए, सरकार की सोच क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, जो आशियाना देना चाहते हैं सरकार को बुला सकते हैं, सरकार को बुला लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता इसका सुझाया जाएगा, निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। अब बोलिए पार्टी की सोच। मैं आपको बता रहा था, मेरा पूरा कहने का मतलब ये है, फॉरन में देखिए एक इंच अगर इधर उधर हो गया सेफ्टी नॉर्म में ना तो बिल्डिंग अवैध होती है। सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए वहां के निवासियों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। सेफ्टी पैरामीटर पे अगर बिल्डिंगें खरी नहीं उतरती हैं तो डिमोलिश किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अनऑथराइज्ड कहीं रोहिंग्या फंस जा रहे हैं, सबको पता है इंडिया में एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जी, कहीं भी बाढ़ लगा लो वो जमीन आपकी हो गई, चाहे रोहिंग्या आ जाए चाहे ऐसे दलाल टाइप के बिल्डर आ जाए। तो ये चीजें होनी चाहिए, अगर अनरेगुलराइज्ड है तो पूरे इंडिया में एक मैसेज जाएगा। और ये जो बिल्डर होते हैं इतने सस्ते में कैसे देते हैं? कोई पैरामीटर नहीं, घटिया क्वालिटी, बिल्डिंग चलनी चाहिए 50 साल वो 30 साल में धराशायी हो जाती है। अरे अभी अभी सर बोल रहे थे नहीं गिरी है, अरे अभी नहीं गिरी है तो 3 बरसात के बाद गिर जाएगी अगर घटिया क्वालिटी है। चौथा, गवर्नमेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनसेशन दिया जाए इनके गाढ़े पसीने की कमाई। और कहां से दिया जाए? हमारे टैक्स के पैसों से नहीं, उन बिल्डरों के बेईमान बिल्डरों से रिकवरी करके, बिल्कुल उन अधिकारियों से, प्राधिकरण के बिजली विभाग के अधिकारियों से जो करोड़पति बन गए हैं कच्चा लालच देके लोगों को झांसा देकर, बिल्कुल ये धोखाधड़ी है। देखिए मिश्रा जी एक चीज और बताऊं, मैं जनता को भी सचेत करना चाहता हूं, यहां ऐसे ऐसे नटवर लाल पड़े हैं जिन्होंने ताजमहल बेच दिया है, कई बार लाल किला बेच दिया है, राष्ट्रपति भवन भी बेच दिया है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा कानून देख करके लिया करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना। कानून देखने एक वाली बात तो जब रजिस्ट्री मिल रही है जैसा किसी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा नेक्सस था कि नहीं समझ पाए, ये इतना बड़ा नेक्सस था फ्रॉड का कि नहीं समझ पाए। कई कई फ्रॉड ऐसे लेवल पे होते हैं वही मैं कह रहा हूँ, समाज के तौर पर आप नहीं समझ पाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए उनकी मजबूरी भी समझनी होगी, उन्होंने हमारे फेवर में सोचा। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, चलिए सर मेरे पास समय था, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को यहीं पे रोकूंगा, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इस मुद्दे पर यह सवाल ना करना पड़े कि इन तमाम निवेशकों का, निर्दोष निवेशकों का दर्द कौन सुनेगा। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा का यही समापन करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो इतना सोच रही है वो इन निवेशकों के बारे में भी सोचेगी, और अगर इनका आशियाना उजड़ता है तो कोई ना कोई इन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि इनके खून पसीने की कमाई व्यर्थ ना जाए। नमस्कार।